जलने से अपने को कैसे बचाऊं? आ, जल्दी टेबल के नीचे। अच्छा ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि इसे ज्यादा नहीं करना है, सब सही लग रहा है। आओ देखे कि क्या होता है। और अब कॉर्न डालने का समय है। हम पहले दौर में क्या करने वाले हैं? यह बहुत आसान है, मुझे भूख लगी है इसलिए मुझे एक मीठा सैंडविच चाहिए। यह आसान है, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। एक बच्चा भी इसे संभाल सकता है। वैसे बच्चों के बारे में कहें तो हम में से प्रत्येक को बचपन से मिठाई पसंद है, तो सूजी का मीठा सैंडविच बनाने का आइडिया अच्छा है, जैसे कि न्यूटेला के साथ सैंडविच। और मैं एक टोस्टर लूंगी। ओह, इसे ठीक से करना होगा, मैं इस पेस्ट की वजह से पूरी गंदी हो गई हूँ। चलो टोस्टर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। दादी तुम क्या कर रही हो? अपने पुराने तरीके से खाना बना रही हो? यहाँ टोस्टर है, मुझे नहीं चाहिए। कोई भी ब्रेड को ऐसे टोस्ट नहीं करेगा जैसा मैं कर रही हूँ। अब इस पर पीनट बटर लगाने का समय है। और दादी का बनाया हुआ जैम भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं इसे ठीक से लगा देती हूँ। कितना प्यारा! और यहाँ पर जलने की कैसी बदबू आ रही है। आ, सूजी, वो तुम्हारा रोबोट है। यह रोबोट नहीं है, ये टोस्टर है। पता नहीं इसमें क्या गड़बड़ी है, लेकिन मुझे पता है इसे सॉकेट से बाहर करना होगा। अरे नहीं, लगता है मेरा टोस्ट बनाने का आइडिया फेल हो गया। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वास्तव में अच्छा टोस्ट कैसे बनाया जाता है? इसके लिए तुम्हें थोड़ा कसा हुआ चीज और चमकीले रंग चाहिए। मैंने सब अच्छे से ग्रेट कर दिया और इसमें रंग मिलाता हूँ। ताड़ाम, देखो यह कितना सुंदर है। लेकिन इतना ही नहीं है, इसे टोस्ट करना होगा। इसे फ्राइंग पैन में करना उबाऊ है और उतना अच्छा नहीं है। एक और जरूरी बात, इसे आग पर सेकना है। अब मैं जाता हूँ और इसे टोस्ट करके तुरंत वापस आता हूँ। आग पर सिका हुआ ब्रेड बहुत स्वादिष्ट होता है। हो गया जेस, ये एक विजेता चुनने का समय है। ओ हाँ, शुरुआत करते हैं पहले सैंडविच से। यह बाकी की तुलना में अच्छा दिख रहा है, शायद स्वाद भी अच्छा हो। अरे वाह, कितना बढ़िया से स्ट्रेच कर रहा है ये, बहुत स्वादिष्ट। चलो देखें कि आगे क्या है। और यह क्या है? कितना बेकार। खैर मैं रिस्क लेती हूँ और इसे चक्कर देखती हूँ। कितना खराब, इसका स्वाद कोयले की तरह है। यह सैंडविच बहुत अधिक स्वादिष्ट लग रहा है और इसे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। ओ हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। दादी तुम जीत गई। धन्यवाद जेस, मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। अब मुझे पैनकेक्स चाहिए, स्वादिष्ट पैनकेक्स। ओह पैनकेक्स, मैं इसे बनाने में माहिर हूँ, मुझे हराने की उम्मीद भी मत करो। कोई भी मुझसे बेहतर पैनकेक्स नहीं बना सकता है। अब इसका बैटर बनाने का समय है। दादी क्या तुम्हें लगता है कि मैं बैटर नहीं बना सकती? एकदम आसानी से बना लूंगी, हमें बस एक गहरी प्लेट में सब कुछ डालने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने कहा, यह देखो, यह अच्छा दिख रहा है, बढ़िया। हाँ, इतना परेशान होने की जरूरत क्या है, मेरे पास एक मिक्सर है, इसकी मदद से मैं डो को अच्छी तरह से मिक्स कर सकती हूँ। देखो बिना परेशानी के सब हो रहा है। ओह, मुझे नहीं पता था कि यह इतनी तेज है। और अब मैं उसे आटे से कैसे निकालूं? ओह चलो बेकार डिवाइस। सूजी तुमने बहुत जल्दी हार मान ली, लेकिन मुझे सिर्फ पैनकेक सेकना है।
अच्छा देखो यह कितने अच्छे से तैयार हुआ है और अच्छी खुशबू भी आ रही है। मेरे शानदार पैनकेक्स तैयार है, अब इस पर केवल बटर डालना बाकी है। ओह माफ करना, मैंने गलती से तुम्हें गंदा कर दिया। देखो और सीखो कि असली पैनकेक्स कैसा होना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वाद के साथ साथ इसे सुंदर भी दिखना चाहिए। अब मैं बैटर से ड्राइंग बनाऊंगा। कोई बता सकता है कि यह क्या है? ताड़ाम! कुछ ही सेकंड में मुझे किशमिशी की कॉपी मिल गई। अब इसे खा सकते हैं। और मेरे पास कुछ तैयार का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जैसे कि ब्रेड। लेकिन मुझे क्रस्ट भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं इसे हटा देती हूँ और अब इस पर क्रीम लगा देती हूँ। यह सभी को पसंद होता है। अब सब तैयार है। जैस, यह वोट करने का समय है। वाह, यह किशमिशी के रूप में एक पैनकेक है। कितना अच्छा दिख रहा है। मैं इसे खा कर देखती हूँ। मुझे तो यह बहुत प्यारा लग रहा है। और यह क्या है? यह साधारण व्हाइट ब्रेड की तरह दिख रहा है। खैर, या नहीं, यह निश्चित रूप से पैनकेक्स नहीं है। लेकिन यह बीच वाले पैनकेक्स स्वादिष्ट लग रहे हैं। क्या खुशबू है! मुझे लगता है कि यह बहुत स्वादिष्ट होगा। अरे वाह, मैंने लंबे समय से कुछ भी स्वादिष्ट नहीं चखा है। दादी तुम जीत गई। क्या दादी? क्यों? लूजर। इस बार मैं लंच में स्वादिष्ट नूडल्स खाना चाहती हूँ। नूडल्स हम तुम्हारे लिए तैयार करेंगे। दादी और शेफ फिर से एक मुश्किल रास्ते पर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है। जब तैयार नूडल्स दुकानों में मिल जाते हैं तो इतनी मेहनत की क्या जरूरत है। इसके साथ तैयार सॉस भी मिलते हैं और मसाले भी। इन सबको एक साथ उबलते पानी में डालना है और इंतजार करना है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। यह ऐसे बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होगा, लेकिन सॉसेस के साथ स्पैगेटी की बात ही अलग है। स्वादिष्ट और ओरिजिनल। यह इस तरह से प्लेट में बहुत अच्छा दिखेगा और स्वाद भी अच्छा होगा। ओरिजिनल? बोरिंग। रंगीन नूडल्स बनाना वास्तव में ओरिजिनल होगा। इसके लिए मुझे खुद नूडल्स बनाने होंगे, लेकिन मैं जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास एक विशेष मशीन भी है। देखो यह कितना अच्छा निकला। अब बस इन्हें पकाना बचा है। और बेशक हमें सॉस को नहीं भूलना चाहिए। जेस, अब तुम टेस्ट कर सकती हो। हाँ, देखो मेरा कितना बढ़िया तैयार हुआ है। ओह, लेकिन परेशान मत हो, टेबल अभी भी साफ है। चलो खा कर देखती हूँ। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। मैं ऐसे नूडल्स को कर्ली करती हूँ। एक साधारण नूडल्स की तरह है, मुझे और की उम्मीद थी। लेकिन रंगीन नूडल्स थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। वाह, इसकी तो बात ही अलग है। बस अब तीसरा भाग ही बचा है। ओह वाह, कितना ओरिजिनल आइडिया है, कितना अच्छा। मुझे सॉसेज बहुत पसंद है। नूडल्स की यह प्लेट सबसे स्वादिष्ट है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मैं इस सबसे बहुत थक गया हूँ। मुझे कुछ मीठा चाहिए था, जैसे कि एक स्वादिष्ट कपकेक। कोई समस्या नहीं, सब तैयार हो जाएगा। कपकेक? इसे कैसे बनाऊं? दादी, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? मेरे पास एक बहुत महंगी मशीन है जो मुझे कपकेक के लिए आटा गूंदने में मदद करेगी।
उसके साथ सब कुछ करना बहुत अच्छा होगा। और तेज। अब मैं सारी सामग्री को इसमें डालता हूँ और इसे चालू कर दिया। इससे काम करना कितना आसान है। अब इन सबको एक बर्तन में डालता हूँ और इसमें थोड़ा रंग डालना जरूरी है, चमकीला रंग। अब सब कुछ एक सांचे में डालना है और इसे ओवन में डालना है। अब जीत निश्चित रूप से मेरे पॉकेट में आएगी। नहीं, ऐसा किसी हाल में नहीं होगा। मैं स्वादिष्ट बेरीज के साथ कपकेक बनाऊंगी। ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी सभी को पसंद होते हैं और मैं इसमें निश्चित रूप से थोड़े चॉकलेट डालूंगी। और इसके तैयार होने तक इंतजार करूंगी। देखो यह कितना अच्छा तैयार हुआ है। ओ वाह, मैं तो ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगी। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। और मैं इस पर क्रीम डालूंगी। मुझे कुछ सोचना होगा। बिल्कुल, इन कुकीज का उपयोग क्यों ना करें? इसे तोड़कर कप में डाल देती हूँ और इन पर कारमेल सिरप डाल देती हूँ और इस सबसे एक कपकेक बनाऊंगी। सबको अच्छे से मिला दिया। यह एकदम आसान है। मेरी राय में इतना बुरा नहीं है, है ना? चलो पता करें कि कौन सा स्वादिष्ट है। मैं इन रंगीन वाले से शुरू करूंगी। सुंदर और स्वादिष्ट, वे अंदर से भी रंगीन है। ये एक बड़ा प्लस है। चलो आगे बढ़ते हैं। और इस केक में बहुत अधिक फीलिंग है। कितना बड़ा भी है। ओह, लेकिन ये थोड़ा कड़ा है। और वैसे यह क्या है? कितना बेकार है। मेरी राय में विजेता स्पष्ट है। मुझे चमकदार और स्वादिष्ट कपकेक अधिक पसंद आए। वाह, मैं जानता था कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। अब तुम यह लो। यह खाना पकाने का समय है। मुझे सरप्राइज करो। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स और हम क्या पका रहे हैं? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। आज मुझे एक बड़ा सुंदर केक चाहिए। मैं वेट कर रही हूँ, मुझे खुश करो। केक कितना कूल। यह बहुत आसान है। क्या तुमने केक कहा? फिर मुझे आटा चाहिए। मैं इसे और सुविधाजनक बनाने के लिए इसे गहरी डिश में लूंगी। फिर मैं थोड़ा दूध मिलाऊंगी। केक की रेसिपी मेरे सिर में है। मुझे सभी आवश्यक सामग्री पूरी तरह से याद है। कोई भी विस्क इस केक को प्यार से पोषण नहीं दे सकता है, केवल दादी के हाथ। इसलिए मैं हमेशा हाथ से आटा गूंथती हूँ। ये महत्वपूर्ण है। क्या समय की बर्बादी है। हमेशा एक आसान विकल्प होता है। केक की तैयार परतें पहले से ही मुझे बहुत समय बचाएंगी। यह क्या है? मैं इसे देखना नहीं चाहती। मेरा केक सबसे अच्छा होगा क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ। मैं आटा में कुछ रंग जोड़ूंगी। यह एक उज्जवल लड़की के लिए उज्जवल केक होगा। यह बहुत अच्छी तरह से निकला है। इसे करने का यही तरीका है। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही करूँगी। तो मैं पीनट बटर जोड़ूंगी। और बेहतर, मुझे पीनट बटर बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब अगली लेयर। और जैस सिर्फ अपनी उंगलियां चाटेंगी। मैं कम से कम इसे अब खुद खाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। बस करो, तुम अपनी बहन के लिए केक बना रही हो। और मैं स्ट्रॉबेरी जैम डालूंगी जिसे मैंने खुद तैयार किया है। वह निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। बस जार खोलना है। इस जैम की सुगंध स्वादिष्ट है। मैं पूरा जार डाल दूंगी। इसे बेहतर करना मुश्किल होगा। मेरे पास सबसे अच्छा पाई होगा। आवश्यक डिटेल्स जोड़ूंगी, कुछ स्ट्राइप्स लगाऊंगी। जब यह सब भूरा हो जाएगा तो पाई तैयार हो जाएगा। वाह, यह बहुत बड़ा है। एक महत्वपूर्ण डिटेल। अब हमें सावधानी से क्रीम लगाना होगा। मैं पेस्ट्री बैग के साथ ऐसे लेयर्स बनाती हूँ। केक इतना उज्जवल और सुंदर निकला। अब अगला स्टेप। इसे सावधानी से करना बहुत जरूरी है ताकि केक उतना ही सुंदर बना रहे। मुझे लगता है कि क्रीम के साथ सब कुछ तैयार है। आखिरी स्टेप सजावट है।
मैं एक सजावट बनाना चाहती हूँ जो इस केक में पूरी तरह से मेल खाएगी। यह उतना ही रंगीन होगा जितना वह है। यह सब सेट है, परफेक्ट इंद्रधनुष। मैं उसे सबसे ऊपर रखूंगी। बिल्कुल सही। मैं केक को रंगीन चॉकलेट से सजाऊंगी। मैं तारे लगाऊंगी, उन्हें यहाँ रखूंगी। ये बहुत अच्छा निकला। अब सिर्फ इंद्रधनुष में बादलों को जोड़ना बचा है और मेरा केक एकदम सही है। अरे दादी कहाँ गई? क्या कहाँ कौन? ओह हाँ, मेरी पाई। कितनी अच्छी सुगंध है, बस एक अद्भुत पाई बना है। मुझे भी यह केक चाहिए। मेरा इतना बुरा लग रहा है, दादी भी मुझसे बेहतर है। मेरे पास एक आइडिया है, रंग जोड़ने के लिए मुझे रंगीन कैंडीज चाहिए तो यह बहुत सुंदर हो जाएगा। जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा। तुम्हारे लिए अच्छा है केट, तुम लोगों का मेरे साथ कोई तुलना नहीं है। ओह बुरा नहीं है, ये बहुत प्यारा है। चलो उसके साथ शुरू करते हैं। अब मैं स्वादिष्ट केक खाने जा रही हूँ। हम ध्यान से और सावधानी से काटते हैं। यह हुई ना बात, मैं कितनी अच्छी हूँ। वाह कितना मीठा है, ये मेरे मुंह में पिघल जा रहा है, कमाल है। मैं हर आखिरी टुकड़ा खा लेना चाहती हूँ। मैं एक बादल को भी खाना चाहती हूँ। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। चलो अब अगले केक की बारी है। वाह ये कितना सुंदर लग रहा है, मैं एक पीस खाकर देखती हूँ। कितना सुंदर और मीठा रसदार, बेरी का स्वाद सिर्फ अविश्वसनीय है। मैं इसे खाना चाहती हूँ और खाते रहना चाहती हूँ। लेकिन यह मैं कैंडी खा सकती हूँ, मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट है। चलो खाकर देखती हूँ, स्वादिष्ट है। चलो और खाती हूँ। यह मुंह में बहुत चिपचिपा हो रहा है, मुझे कुछ पीना पड़ेगा। अब बेहतर है, मैं अब और इसे नहीं खाना चाहती। अच्छा अब मुझे चुनना होगा। जाहिर है इंद्रधनुष केक सबसे स्वादिष्ट है। किसका? मेरा। ओह चलो तुम मेरी चापलूसी करो, अगली बार जीत मेरी होगी, तुम देखोगी। हमारे पास यहाँ क्या है? सब्जियाँ। किस लिए? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मुझे बर्गर चाहिए, मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर पकाओ आसानी से। क्या बर्गर? ये बहुत हानिकारक है। मैं अपनी पोती को ऐसी गंदगी नहीं खाने दूंगी, सभी कचरे में जाएंगे। और हम सब्जियों से बहुत सारी अच्छी चीजें पका सकते हैं। एवोकाडोस बंस की तुलना में बहुत स्वस्थ होते हैं। अब मैं इसे बहुत स्वादिष्ट बनाने जा रही हूँ, तुम अपनी उंगलियाँ चाटोगी। इसके अलावा यह इतना आसान है, बस मुझे बीज निकालना होगा, उसे साफ करना होगा। लेकिन इसमें कितने विटामिन है। और टमाटर, मुझे टमाटर बहुत पसंद है, वे बहुत स्वादिष्ट और स्वस्थ होते हैं। उन्हें जोड़ना होगा खीरे की तरह। हमें इसे सर्कल्स में काटना होगा। और मिर्च के बिना कैसे? मैं यह भी नहीं बताना चाहती कि मिर्च कितने उपयोगी है। जब मैं खाना बना रही थी तो मैं इसे खुद खाना चाहती थी, बहुत स्वादिष्ट और बिल्कुल तीखा नहीं। और अब बारी है सलाद के पत्ते की। हमारे हेल्दी बर्गर को असेंबल करना बाकी है। एवोकाडो, सलाद, टमाटर, मिर्च और खीरे। यह बेकार है, मेरा स्वाद निश्चित रूप से बेहतर होगा। एक ब्रेड पर कटलेट। अब हमें सब्जियां डालनी होगी। खीरा है। yeah. क्या यह प्याज है? नहीं यह जरूरी नहीं है। टमाटर। लेकिन पहले हमें टमाटर के अनावश्यक हिस्सों से छुटकारा पाना होगा, नहीं तो ये बेस्वाद होगा। अब शायद यह ठीक है, हालांकि नहीं, यहाँ और भी बहुत कुछ है, इन्हें हटाना होगा। ठीक है अब यह ठीक है। चलो अब इस पर चीज डालते हैं ऊपर से। इसके साथ कुछ गड़बड़ है, ये बहुत ज्यादा है। ओ चलो अगर इस तरह से रखे तो यह भयानक लग रहा है। आइडिया, हम थोड़ा चीटिंग कर सकते हैं। हाय, मैं जल्द से जल्द बर्गर डिलीवरी कराती हूँ। yeah. मैं इंतजार कर रही हूँ। वाह इतनी जल्दी। थैंक यू। ओह मेरा बर्गर कहाँ है?
बढ़िया, हम अनावश्यक चीजें हटा देते हैं। वो कितना सुंदर है, हमने इसे प्लेट पर रखा, बिल्कुल सही। बुरा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बेहतर करूंगी। मेरे कटलेट कैसे हैं? पूरी तरह से तला हुआ और आग की सुगंध को ऑब्जर्व किया, इतना रसदार और सुगंधित। यह सब सेट है, मेरी प्लेट में आओ। देखो ये कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं पहले सब कुछ आग से निकाल दूंगी और फिर मैं एक स्वादिष्ट बर्गर पकाऊंगी। इसे ऑफ करना मत भूलना। बढ़िया, चलो शुरू हो जाओ। मेरी प्रोफेशनल मेथड से सब्जियों को काटना आवश्यक है। पहले हम टॉस करते हैं और फिर हमने इसे हवा में काट दिया। पूरी तरह से कटे हुए सब्जियां तैयार हैं। एकदम सही बन। अब हम बर्गर को एक साथ डाल रहे हैं। सलाद, रसदार कटलेट और चीज डालते हैं। अगला सब्जियां, और इसे कुछ और बार दोहराएं ताकि बर्गर एक टावर की तरह दिखे। फाइनल टच, बन और एक झंडा। अब यह एकदम सही है। कितना सुंदर है, यह सच है। यह सब कितना स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन उसके अलावा यह सब क्या है? बर्गर की तरह नहीं दिखता। ठीक है, हमें खाकर देखना होगा। मैं इसे खा सकती हूँ? ये कैसा है? छी, तीखा। ओह, यह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। झंडे को हटा दो, मेरे मुंह में आओ। ए, क्या यह गिर गया? खैर, मैं इसे तब नहीं खाऊंगी। यह प्यारा लग रहा है, चलो खाकर देखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बर्गर है। वह जीत गया है। वाह, मैं जीत गई। यह सही नहीं है और मैं जीत नहीं पाई। आप हमारे साथ बोर नहीं होंगे, लेकिन आपको भूख लगेगी। यह स्वादिष्ट और मजेदार था। मल्टीडो के साथ समय बिताने के लिए हमारे नए वीडियो की अपेक्षा करें। जल्दी मिलते हैं।